हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे आई फ्लू की। आई फ्लू काफ़ी ट्रेंडिंग है, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है। तो ये आई फ्लू क्या है और ये कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आई फ्लू ये सडनली आया हुआ एक कोई चीज़ नहीं है, ये पहले से होती रही है, जिसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये आई फ्लू होने का रीज़न होता है वायरल इन्फेक्शन, ये वायरस की वजह से होता है। और इसमें लक्षण क्या होते हैं, आंखें लाल होती है, आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी आता है, वॉटरी आइज, एंड वो स्टिकी डिस्चार्ज जो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो उसमें होता है, और आंखें सूज जाती हैं, स्वेल्ड हो जाती हैं। तो ये होता है आई फ्लू के लक्षण, और ये होते हैं आई फ्लू के लक्षण। एंड इसके साथ में ये ऐसे होता है कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो मोस्ट ऑफ जगह पे इसका ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं जगह जगह पे। बच्चों में ज़्यादा ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है, वैसे बड़ों में भी देखा जा रहा है, लेकिन बच्चों में प्रमाण ज़्यादा है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी थोड़ा वीक होता है, इसलिए वो ज़्यादा कैची हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको होगा नहीं। बार बार ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको ये हो सकता है। अब इसमें घबराने की ज़रूरत है क्या? नहीं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा आता है, हर साल आता है, बस अभी इसके आंकड़े नोट डाउन करना शुरू हुआ है। वैसे तो ये आप जानते ही हैं, इसे आँख आना या फिर आँखें आना या फिर कंजक्टिवाइटिस, ये सारी इस नामों से ये सब तरफ जाना जाता है। तो अब इसमें प्रिकॉशन क्या लें? देखिए, प्रिकॉशन ये लीजिए कि आप कोई चश्मा पहन लीजिए, और हो सके तो डार्क स्पेक यानी डार्क कलर का चश्मा होना चाहिए। जस्ट लाइक ये इस तरह का आप एक स्पेक पहनिए और उसको पहन के रहिए। अब ये जब आप पहनेंगे तो आपका पूरी आँखें कवर रहेगी, और आप जो सनरेज है उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि इसमें होता ऐसा है कि जो सूरज की रोशनी होती है, जो लाइट होती है, वो भी आँखों में छुपती है, आँखें सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए चश्मा पहनना है। बहुत लोगों को ये मिथ है, बहुत लोगों में ये मिथ फैला हुआ है कि वो चश्मा अगर नहीं पहनते तो उसके चश्मा ना पहनने की वजह से वो दूसरों को होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चश्मे से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता दूसरों को, चश्मे से प्रोटेक्शन मिलता है पेशेंट को, जिसको ये हो चुका है, जिसकी आंखों में चुभन है और जिसकी आंखें सेंसिटिव हो चुकी हैं वायरस की वजह से। अब ऐसे टाइम में उसे सूरज के जो हानिकारक किरणें होती हैं, जो ब्राइट लाइट होता है, उसकी वजह से वो सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसे डार्क गॉगल जो कि ये इस तरह का होना चाहिए वो पहने और खुद को प्रोटेक्ट करें। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि चश्मा पहनने से ये आपको नहीं होगा। अगर सामने वाले ने चश्मा पहना है तो आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थोड़ा सा दूर रहिए, लेकिन ये अगर आ भी गए आप संपर्क में, अगर हो समझिए आपके घर में किसी को हो गया है, किसी दोस्त यार को हो गया है, तो एकदम से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऑब्वियसली वो होने वाला है, इसे इम्यूनिटी बूस्टअप ही होती है आपकी। ये जो थोड़े थोड़े बुखार आते हैं हमें, सर्दी होती है, आपको इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको फाइट करने की एक प्रेरणा मिलती है, इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रांग होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, तुरंत ही आप एंटीवायरल ड्रग ले लेंगे, आप स्टीरॉइड्स ले लेंगे, इससे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, आप रिलाई करते हैं हमेशा मेडिसिन पे। तो ज़्यादा मेडिसिन के चक्करों में ना पड़े, आई ड्रॉप आते हैं, स्टराइल आई ड्रॉप, वो डालिए, आँखों को साफ़ करते रहिए, साफ़ पानी से धोइए, पानी एकदम साफ़ होना चाहिए, और साथ में जो आप वाइप आउट करेंगे वो वाइप क्लीन होने चाहिए, जिससे कि आपको दूसरे इन्फेक्शन ना हो, और वो इन्फेक्शन जो हुआ है आपको इन्फेक्शन, वो स्प्रेड ना हो। अब ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे बच सकते हैं और रिकवर भी कर सकते हैं। तो थोड़े दिन आराम कर लीजिए घर में, अगर आके आती है तो ऐसे भी बाहर जाके आप किसी को अपना मुंह तो दिखा नहीं सकते, लाइट आपको सहन नहीं होती, तो बाहर जाके करेंगे क्या? तो ऐसे में बेस्ट वे है, ऐसे में कि अगर आपको कोई भी समस्या होती है, शारीरिक बुखार आता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, तो वो सिग्नल होता है बॉडी का कि आप थोड़ा घर में आराम कीजिए, योर बॉडी नीड्स रेस्ट कम्प्लीटली, है ना। शरीर हमको सिग्नल देता है कि भाई थोड़ा सा रुक जा, अभी थोड़ा ध्यान दे खुद पे, थोड़ा रिलैक्स हो जा, शरीर को मजबूत कर और निकल अपने काम पे, है ना। तो ये बात है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कोविड में भी कहा था कि डरिए मत। अगर आप डर गए, अगर आपने वो वायरस को बहुत बड़ा समझ लिया, जो कि वो होता भी नहीं, इतना सा तो होता है जो आँखों से भी नहीं दिखता, है ना,
उससे आप डर जाएंगे तो कैसा होगा। ये समझिए कि आपका इम्यून सिस्टम सारे वायरसेस बैक्टीरिया से बहुत ऊपर है, वो हर तरह के वायरस से बैक्टीरिया से फाइट कर सकता है। आप रिलाई करते हैं केमिकल्स पे, हमें ऐसा लगता है कि मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए, शरीर को लड़ने दीजिए। आपका शरीर लड़ना सीखेगा ही नहीं तो जब जंग का मौका आएगा, जैसे कोविड आया था, तो लड़ेगा कैसे। सारा खेल इम्यूनिटी का है। आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, जैसे आप अपने दिल के बारे में सोचते हैं, ब्रेन के बारे में सोचते हैं, आप अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, लीवर के बारे में सोचते हैं, किडनी के बारे में सोचते हैं, स्किन के बारे में तो सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि मैं यंग दिखना चाहिए, झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए, बालों के बारे में सोचते हैं। आपने कभी इन सबको प्रोटेक्शन देने वाले इम्यून सिस्टम के बारे में सोचा है। लोग घर तो बना लेते हैं लेकिन घर का दरवाज़ा डिज़ाइनर होने से नहीं होता, वो मजबूत भी होना चाहिए। घर में प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या वो सिक्योरिटी सिस्टम आपके घर में है? आप उस पर कितना खर्चा करते हैं? नहीं, आप खर्चा करेंगे टॉयलेट सीट पे, आप खर्चा करेंगे आपके सीलिंग पे, टीवी पे, रेफ्रिजरेटर पे, कुकिंग टॉप पे, एयर कंडीशनर पे, माइक्रोवेव पे, वॉशिंग मशीन्स पे, लेकिन आप इन सब को प्रोटेक्ट करने वाली जो सिस्टम है जिसे सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं उस पर कितना ध्यान देते आप? एक मोटी सी कड़ी लगा लेंगे, एक ताला लगा लेंगे, हो जाएगा? नहीं। इसी तरह से हमारा बॉडी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। ये सारे चिल्लर रोग होते हैं, छोटे मोटे आते रहते हैं, इससे अभी ये नहीं होना चाहिए कि इतने केसेस बढ़ गए, उतने केसेस बढ़ गए। अरे वो बढ़ाने वाले दिखाने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप उनके चक्करों में ना पड़े, आप डरिए मत, अपने इम्यून सिस्टम पे काम करते रहिए। और साथ में जैसे कि मैंने प्रिकॉशंस बताई है, घर के बाहर मत निकलिए। घर के बाहर इसलिए मत निकलिए क्योंकि आप निकल के करेंगे क्या? आपको धूप सहन नहीं होने वाली, वो धूप सहन नहीं होने वाली, आपको लाइट सहन नहीं होने वाला, आपकी आंखों में जलन रहेगी, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, तो बाहर जाके आप काम क्या ही कर लोगे। इससे बेटर है आप अपने खुद के हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, प्रोटीन खाइए, नॉनवेज खाने वाले चिकन फिश वगैरह ये सब खा सकते हैं, वेज खाने वाले मशरूम्स लीजिए, कॉलीफ्लावर लीजिए, मटर लीजिए, ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करते रहिए। गाजर का सेवन ज़्यादा कीजिए, विटामिन ए ज़्यादा खाइए, इसके परिणाम स्वरूप आपकी आँखें भी अच्छी रहेंगी और आपको लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट भी मिलेगा और साथ साथ में शरीर वीक नहीं होगा। तो ये जो फैंसी नाम आ रहे ना, आई फ्लू वगैरह, इस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नए नए शगुफे छोड़ते रहते हैं और आप लपेटते रहते हो, तो लपेटना छोड़ दो, ध्यान ही मत दो, खुद पे ध्यान दो। अगर आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई बंदा है या बंदी है जिसकी आंखें लाल हो चुकी है, तो उसे बताइए कि भाई तू घर पे रहे, तो आँख में आई ड्रॉप डाल, अपने डॉक्टर से संपर्क कर, अपना इलाज कर, और इसे फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। घर में रहो, सुरक्षित रहो, दूसरों को भी रखो, खुद भी सुरक्षित रहो घर में, इसलिए क्योंकि तुम बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, मैं इसे सीवियर है करके घर पे बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बॉडी को समझ लो अभी रेस्ट की ज़रूरत है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए और आई फ्लू से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपके दिल से डर का माहौल थोड़ा सा कम हो गया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी और यूज़फुल लगती है तो अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।